दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बेगिंस। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है और जिस तरीके से लोगों के अंदर, जितने भी कैंडिडेट थे, उनके मन मन में एक चीज़ था कि आखिर डीवी कब होगी, क्योंकि डीवी का प्रोसेस तो बता दिया गया था बट ये नहीं पता था कि एक्चुअली डीवी स्टार्ट कब से होगी, कब तक चलेगी, है ना, क्या प्रोसेस होगा, वो कुछ भी नहीं पता था। बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि कब से होगा कब से होगा, बट फाइनली आरआरबी ने डीवी डेट घोषित कर दिया गया है और आपको पता चल जाएगा कि डीवी कब से स्टार्ट हो रहा है, उसका क्या शेड्यूल है ना, सारे शेड्यूल्स आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, है ना, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है वो कब से आप अपलोड कर सकते हैं, कौन सी लिंक है, वो सब कुछ यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है उसमें बताया गया है और अभी आपको हम बताने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे अपलोड करने हैं, कलर अपलोड करने हैं या ब्लैक एंड व्हाइट अपलोड करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलती रहे और आप जो है लेट बिल्कुल भी ना हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और उसमें क्या लिखा गया है उन बातों को देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये है रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई की तरफ से इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे जारी किया गया है और इसमें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप इसे थोरोली पढ़ सकते हो और आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सीईएनएक 2019 शेड्यूल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 6। देखिए पहला जो चीज लिखा गया उसी में बताया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 लेवल 6 फॉर द कैंडिडेट अप्लाइड टू आरआरबी चेन्नई इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 26/9 to 39। यानी कि अभी जो डीवी के लिए बताया गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 2 दैट इज स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर डीवी आई है, जिसमें आपका जो डीवी है 26 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर यानी 4 दिन में ये डीवी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आगे बात लिखी गई है उसमें आप देखिए, कैंडिडेट कैन डाउनलोड डीवी ई कॉल लेटर फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी चेन्नई। यानी कि देखिए, आरआरबी चेन्नई ही इसको कंडक्ट करा रही है, मतलब जो भी प्रोसेस है, जो भी इंफॉर्मेशन है वहीं से आ रहा है और इसी वेबसाइट पर जाकर के आप इस कॉल लेटर को, इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप डीवी ई कॉल लेटर जो है ना 17 सितंबर से आप डाउनलोड कर सकते हो आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट से, ठीक है। ये तो हो गई ई कॉल लेटर के, लेकिन अब आपको देखना है कि जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो कहाँ से अपलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैंडिडेट हैव टू अपलोड स्कैंड कलर कॉपीज, है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि स्कैन कराना है, कलर कॉपी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के होने चाहिए। ऑफ द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट एज लिस्टेड इन आइटम नंबर 2 पेज 2 ऑफ डीवीई लेटर, है ना। तो देखिए, डीवी का जब कॉल लेटर आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तब आप जो है 17 तारीख को आप डाउनलोड कर लोगे, जैसी 17 को डाउनलोड करोगे तो उसके सेकेंड पेज पर आपको दिया रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो पोर्टल होगा, ये आपने देखा है कि इस पोर्टल पे आपको जाके करना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी तो ये एक्टिव नहीं है लेकिन 17 सितंबर से ये एक्टिव हो जाएगा और तब आपको इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, जब भी ये लिंक एक्टिवेट होगा हम आकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और क्या प्रक्रिया है, वो सब कुछ यहाँ पे हम बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फोर्थ में क्या लिखा है, द इंस्ट्रक्शन फॉर द अपलोडिंग द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन द पोर्टल। तो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, आप बस आरआरबी वेबसाइट को विजिट करिए या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर जैसी इन्फॉर्मेशन ये सारी मिलती है हम आपको तुरंत यहाँ पे बता देंगे। इसके अलावा देखिए फिफ्थ में लिखा गया, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डीवीई कॉल लेटर केयरफुली एंड सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स इन द ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डीवी। तो देखिए, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके सर्टिफिकेट्स, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर होता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और यही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। डॉक्यूमेंट का मैंने पूरा का पूरा लिस्ट तैयार करके बनाया हुआ है, उसको आप जा करके देख सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और इसके बाद अगर कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि ये सारे शेड्यूल्स बताएंगे, तो आप डेफिनेटली 17 तारीख को आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी।
तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आपको तैयारी पूरी पक्की कर लेनी है और उम्मीद करना है कि आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके जाएं, और अपलोडिंग में भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड आप करें वो जो है वैलिड डॉक्यूमेंट ही करें, है ना। कहीं और चेक कर लें कि आपका जो, कभी कभी होता है क्या है ना कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के रखते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाएंगे, उसमें अगर किसी भी तरह का मिसमैच होता है तो डेफिनेटली आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इतनी अच्छी खुशखबरी है जो आपको मैंने बताई यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आगे की जो भी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहे। अब हम देखेंगे कि लेवल जो 6 में ही जो दूसरी कैटेगरी है यानी कि कैटेगरी नंबर 1, उसको उसका डीवी कब होगा, या और इसके अलावा लेवल 5, 4, 3, 2 के जो भी टाइपिंग के रिजल्ट जो आने वाले हैं और उनका कब प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो वो कब कब आता है जरूर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, इसलिए लगातार आप चैनल पर बने रहिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।